हाँ जी, तो ये देखो पहाड़ों के बीच, मतलब एक इतनी ज्यादा हाइट पे भी एक इतना खूबसूरत सा लेक राइट के बीच में जो है 2 लाख सब्सक्राइबर। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो। चलो सुबह के 4:50 को अलार्म बज रहे, इतने सुबह सुबह उठ रहे, तो व्हाट इज़ द सीन बाबू भैया? दिमाग विमाग के जो स्क्रू व्रू है वो ढीले हो चुके क्या? तो नहीं जनाब, आज फाइनली काफ़ी अरसों बाद, काफ़ी सदियों बाद, काफ़ी जुगों के बाद आज फाइनली होगा मॉर्निंग राइड। और वो भी टाइटल और थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा किसके साथ। तो आज हमारे SBN भाई के साथ जो होगा मॉर्निंग राइड। हाँ जी, तो व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। कहीं जाना था, मतलब घर से निकलना था, बाइक चलाना था, थोड़ा कुछ मतलब यूनिक करना था। तो जी उसी के चलते जो है हमने SBN भाई को, हमारे SBN भाई जो है अभी आजकल मेरे घर के काफी नजदीक रहते, उसका जो नया रूम है वो मेरे घर के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो भाई को रात को मैंने मैसेज किया कि ऐसे ऐसे ब्रो कल सुबह का प्लान है, चलना है क्या? तो भाई ने भी बोला नेकी और पूछ चलना है। आज का जो टारगेट है, आज मतलब कहीं दूर जाने का या फिर कहीं हाईवेज में चलाने का प्लान नहीं है, ना ही ऑफ रोडिंग करने का प्लान है। आज का जो प्लान है, आज का प्लान है एक्सप्लोरिंग का। तो आज हम अपने घर से कुछ ही दूर में एक पहाड़ी है, उसको आज एक्सप्लोर करेंगे, मतलब चीर फार के खोल के रख देंगे उसको। सो हाँ जी, आज का जो टारगेट है वो एक्सप्लोर करना है डाटलपारा पहाड़ को, जो कि मेरे घर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। लेकिन उस पहाड़ में हम लोग चढ़ के सीधा मालीगांव निकल सकते, जो कि मेरे घर से कुछ लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो बिना किसी देरी के अभी फटाफट चाय नाश्ता करते, भाई को कॉल लगाते, ब्रश करते, फिर आपको मिलते सीधा। और यही कहीं पे SBN ब्रो वेट कर रहा होगा। सो सबसे पहले लेट्स फाइंड हिम आउट एंड फिर जो है आज का एडवेंचरस वाला ब्लॉग चालू शुरू स्टार्ट करते हैं जी। एबिन है बोला और इधर देखा ना जाए ना। ऑल राइट गाइस, तो अभी जो है फिलहाल निकल चुके हैं एंड ये लोकेशन तो आप लोग सबसे ज़्यादा फैमिलियर हो चुके होंगे, क्योंकि रोज़ वीडियो में ये प्लेस दिखता ही है। लेकिन आज इससे भी थोड़ा अलग दिखेगा, क्योंकि आज अपन चलेंगे खतरों के खिलाड़ी पार्ट 10 करने। और ये आगे आपको जो पहाड़ दिख रहे हैं, इन्हीं सब पहाड़ों के बीच में से हम घुसते हुए निकलेंगे मालीगांव। और ये हम घुसे नूतन बस्ती पहाड़ की तरफ। तो अभी फिलहाल 1.5 किलोमीटर तक तो प्लेन ही रास्ते, क्योंकि मैं उतना दूर गया हुआ हूँ। तो आप रास्तों के मजे लो और हम लोग राइडिंग के मजे लेते। हाँ जी, तो ये देखो पहाड़ों के बीच, मतलब एक इतनी ज्यादा हाइट पे भी एक इतना खूबसूरत सा लेक। तो ये हाँ एग्जैक्टली, तो ये हम लोग का पहला हॉल्ट है, मतलब जो मेन रोड था उससे हम लोग को निकलना है। बट इतना ऊपर भी एक लेक, तो ये एक मतलब फर्स्ट व्यू पॉइंट देख सकते हो। और चारों तरफ से पहाड़ घेरा हुआ है, बीच में से ये लेक है। और ये जगह को बोलते हैं नालपारा। ये वीडियो साथ ही साथ एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी हो सकती है आपके लिए, क्योंकि ये अगर रास्ता जो है हम लोगों ने अगर सक्सेसफुली आज जो है डिस्कवर कर दिया, तो आप अगर इस फटाशील गोरसुख साइड रहते हो और अगर आपको मालीगांव साइड जाना है, तो ये रास्ता ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक शॉर्टकट के रूप में प्रूव हो सकता है। क्योंकि आप अगर इस तरफ से आते हो तो 2-3 किलोमीटर के अंदर ही आप दातालबारा से यानी गोरसुख साइड से जो है पूरा प्रॉपर मालीगांव पहुँच जाओगे। कर तो देंगे, रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे आज, क्योंकि मेरे को पता है कि है रास्ता इस तरफ से, खाली एग्जैक्टली कहाँ जाके वो निकलता है, वो कैसे निकलता है उतना नहीं पता, बट उतना हम लोग ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देख सकते हो पहाड़ों के इतने ऊपर भी जो है लोग अभी कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हैं, घर वगैरह बना रहे हैं। इस तरफ का जो रास्ता है ना ब्रो, इस तरफ का रास्ता से अगर हम लोग चलते हैं ना,
तो पूरा एक मतलब फॉरेस्ट है, बहुत बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, वहाँ पे बाइक नहीं जाएगा तो वो बाद में कभी चलेंगे, लेकिन इस तरफ जो सुंदर व्यू मिलता है फुल गुवाहाटी का, टीवी टावर से भी ऊपर, गांधी मंडप से भी ऊपर वाला व्यू मिलता है। दादा ए मालिगाव जो ओलाबो पारे ये रास्ता किमान आगत आसे, सीधा जाके ना राइट टर्न एटा लबो लगिबो ना, थोड़ा बहुत लोकल लोगों से भी हेल्प लेना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि ऐसे जगह में गूगल मैप्स काम नहीं आती, लोकल लोगों से पूछना ही जो है बेस्ट होता है। 2 लाख हो गया, अरे कांग्रेस कांग्रेस फाइनली राइट के बीच में जो है 2 लाख सब्सक्राइबर, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस ब्रो। चलो अपन थोड़ा कीचड़ से लेके चलते हैं, बहुत टाइम से अच्छे रोड की हम लोग तारीफ कर रहे थे, तो अभी जाके रोड हो चुका है खराब। एंड गाइस हियर वी आर, दिस इज द गौशाला मालीगांव, पहुंच चुके हैं हम लोग और यस वी हैव रीच्ड। यहाँ पे जो है हमारा पहाड़ वाला जर्नी होता है ख़त्म। ये देखो हम लोग निकल चुके हैं मालीगांव 3 नंबर गेट, पहुंच गया मालीगांव, मालीगांव 3 नंबर, हाँ मिशन एकम्प्लीट। मतलब ऐसे देखा जाए तो हम लोग का तरफ से अगर भोरेलू होके आए तो भी हम लोग का 5-6 किलोमीटर पड़ता है, हम लोग हाईवे होके आए तो भी हम लोग का 7-8 पड़ता है, ये रास्ता सिर्फ 2 या 2.5 किलोमीटर्स के अंदर, हाँ डायरेक्ट कनेक्टिंग। बाप रे, अरे थैंक यू भाई। सो भाई लोग कहाँ से हो तुम लोग? सवालकुशी से। और सवालकुशी से कैसे आए हो? बाप रे, अभी घर वापस जाओगे या फिर अभी वापस सवालकुशी जाओगे? बाप रे, तो बिग सैल्यूट टू सच, मतलब बाइसाइकिलिस्ट। तो वही भाई, हम लोग का इतना मतलब गज नहीं है इतना दूर साइकिलिंग करके आने के लिए, तो कीप इट अप एंड अच्छा लगा मिलके। तो यार काफ़ी अच्छा लगता है अगर कोई ऐसे आके बुलाता है एंड फिर एक दो फोटो खिंचा लेता है, तो काफ़ी एक अच्छा वाला फीलिंग आता है। फाइनली आज BS4 पल्सर 220F जो कि हमारे शिबू भाई SBN भाई को बिलोंग करता है उसका और हमारी बीस्ट का, दैट इज़ द RS200 BS6 का हम लोग लगाएंगे एक छोटा सा ड्रैग, शायद 0-60 होगा, शायद 0-100 या फिर शायद इनिशियल टॉर्क का होगा, क्योंकि अभी हाईवेज इतना खाली नहीं मिलता है। सो जहाँ पे भी जैसे स्कोप मिलता है अपन उतना कोशिश करके लगा लेंगे एक छोटा सा ड्रैग। तो ठीक है गाइस, अभी बीच हाईवे में रुके थोड़ा ट्रैफिक खाली होने का वेट करेंगे, फिर दोनों के बीच में करेंगे एक छोटा सा ड्रैग। वैसे हाईवे जो है काफ़ी फुल है, हाँ हाँ वही लॉन्ग डिस्टेंस है नहीं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। 80, चलो ठीक है। 3 हॉर्न कौन दे रहा है? मेधु, चलो तो राउंड 1 गोज टू द RS। डेफिनेटली RS है यार, तो पावर ज़्यादा है, बट अभी करते क्या, अभी बाइक स्विच कर लेते हैं तो तब आएगा एक्चुअल मज़ा। स्विच तो चलो जी, फॉर अ वेरी फेयर रिजल्ट अभी स्विच कर लेते हैं back to 220. ঠিক আছে, মই 3টা অন দি আছো, 1 2 3. রাউন্ড 1 যে তোমার ভাই লেকে যা চুকা হে, রেডি 1 2 3 গো। तो लास्ट राउंड करते, चलो 1 2 3 गो। विजय भव, विजय भव।
तो इसको हम अनफॉर्चुनेटली बोलेंगे या फॉर्चुनेटली पता नहीं, लेकिन आपने जो लास्ट क्लिप देखा उसके बाद वाले जो मैंने जितने भी थोड़े जरूरी बकबक की, सारा जो ऑडियो है वो मतलब मेरा जो हाथ है वो माइक जैक में लग के माइक जैक बाहर निकल चुका था, एंड सारा जो ऑडियो है वो पूरा ब्लर, मतलब ऑडियो कुछ भी नहीं आया। बट अपना जो मेन वीडियो था वो हम लोगों ने कर लिया, वो वीडियो हो गया, वो आ गया सारा क्लिप। तो अभी आपको ऐसे ही बता देते हैं फाइनल कंक्लूजन। तो डेट इज़ कि गाइज देखो, RS 200 BS6 का जो इनिशियल पंच है मतलब 0 से लेकर के 3000 RPM तक वो बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन उसके बाद बाइक इज़ ब्रूटल। एंड ऑन द अदर साइड अगर आप 220 की बात करें तो 220 क्लच छोड़ते ही मतलब एक पटाख से वो लेके मतलब भागना चालू कर देती है। तो इसी के चलते शायद हमारे SBN भाई को भी थोड़ा दिक्कत हुआ था, क्योंकि ये मतलब जो RS का जो लॉन्च वाला सिस्टम है वो बहुत मतलब कंफ्यूजिंग है। तो वही था, एंड अगर मेन बात करें तो RS इज डेफिनेटली मोर पावरफुल, उसमें कोई डाउट नहीं है, RS का इनिशियल ज्यादा है। सो यस गाइस, दैट वाज इट फ्रॉम द वीडियो। एक्सप्लोर भी किया, रेस भी किया, सब कुछ किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इस वीडियो को करते यही पे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर से करना। तब तक के लिए मैं मिलता हूं आपको बहुत ही जल्दी किसी एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, राइट सेफ, जॉय होम, पीस, बाय बाय गाइस।